الو جوليور بوري، السلام عليكم، कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बना रही हूँ आलू छोले, जो साग पूरी बनाते हैं उसके साथ जो बनता है वो, और पूरियाँ बना रही हूँ, मगर पूरी की वीडियो नहीं दे पाऊँगी इसलिए कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर कभी दे दूँगी, मगर दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाई है। अभी मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद मैं ये गर्म हो जाएगा तो जीरा ऐड करूंगी। जीरा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्चें, थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ, हल्दी, नमक, ये चीज़ें हैं बस। ये बिल्कुल सादा सिंपल बनते हैं। ना इसमें दही डालते हैं, ना इसमें टमाटर डालते हैं, क्योंकि आखिर में एंड में इसमें अचार मिक्स करूँगी बना हुआ। अपने प्याज को मैंने पीस लिया था और लहसुन अदरक इसका पेस्ट मैंने मिक्स कर दिया है। ये थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें ये हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सब चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें मैं मसूर की दाल ऐड करूँगी, इससे अच्छे बनते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। और ये मैं पहले ही ऐड कर रही हूँ ताकि गल जाए अच्छी तरह। अब ये मसाले भी ऐड कर दूंगी ताकि ये भुन जाए मसाले में अच्छी तरह। अब ये मसाला भुन जाए उसके बाद मैं आलू ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी तो मैं बनाऊंगी मगर आहिस्ता आहिस्ता वीडियो नहीं बना सकूंगी, क्योंकि बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इतनी देर मुझसे नहीं वो तो मैं बना बना के बेटी को देते रहूँगी, वो फ्राई करेगी, इसलिए जिस दिन मैं खुद बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूँगी, दिखा भी दूँगी। वैसे मैंने 2 कप मैदा लिया है आटे में, बता देती हूँ आपको। इस तरह आधा कप गेहूँ का आटा लिया है और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और नमक लिया है, हल्दी ज़रूरत, 2 टेबल स्पून तेल लिया है और 2 चम्मच बड़े वाले टेबल स्पून दही ली और नीम गर्म पानी से इसको गूंदा है, फिर पेड़े बना कर रख दिए हैं। तो मैं पूरी जब बना लूंगी तो फिर आपको दिखाऊँ। हलवा हमारे यहाँ सूजी का कोई खाता नहीं, सिर्फ मेरे बेटे को पसंद है, वो यहाँ पर है नहीं, अपने जॉब पर है, कभी कभी आते हैं, इसलिए मैं हलवा नहीं बना रही। ये मसाला खूब अच्छी तरह बन जाएगा फिर मैं आलू ऐड करूँगी।
की दाल इसी मसाले में और आलू में गल जाएगी और खट्टा भी नहीं चलेगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मसाला भून गया, आलू मैंने काट कर रख लिए थे, अब आलू ऐड कर देंगे। पहले क्योंकि छोले बॉइल किए हुए, वो बाद में ऐड करें। इनको भून कर फिर इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी ताकि आलू गल जाए, उसके बाद छोले डाल के होगा। पानी डालकर मैं थोड़ा सा तकरीबन एक गिलास इसको कवर कर दूंगी ताकि ये आलू गल जाए, तो फिर मैं छोले ऐड करूंगी। मैं छोले भी मिक्स कर रही हूँ इसमें। ये रेडी हो गया है, मैंने डिश आउट भी कर लिया है और अब मैं इसमें अचार मिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह ये तैयार हुए हैं। अब मैं इसमें अचार मिक्स कर रही हूँ, आम का अचार बाजार का, अब ये रेडी है। पूरी अभी अच्छी बनी है मगर मुझे खांसी होती है तो मैंने नहीं बनाई, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है और अच्छी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, मेरा यही अंदाज है छोले और आलू का तरकारी बनाने का, हमेशा से वैसे बनाती हूँ बाज़ार के स्टाइल पर, मगर मिक्स बनाती हूँ, कभी मैंने अलग अलग नहीं बना। मैं तो पूरियाँ खा भी नहीं सकती, ऑयली है बहुत, तो मेरे हस्बैंड को शौक हो रहा था कि बना लो, तो फिर मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अभी ज़्यादा चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना, और जाते जाते यही कहूँगी कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।